नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 14, आज हम पढ़ ऐसे सवाल लेने वाले जो टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो कराने वाला बड़ा यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन, अपेक्षित का सवाल बड़ा गाला के अंदर पूछा गया सवाल है और इवन मार्वल में भी है, लिबर्टी में भी है, ब्रज में भी है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है। तो बहुलक में बड़ा मिसिंग वाला सवाल आएगा तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझने की कोशिश करो, एकदम डिटेल वाइज और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर बच्चों? चलिए इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे आप पहली माहिती में बहुलक 35 सही 1/3 है तो कुल आवृत्ति मतलब n बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। और हिंदी में क्या बोला, यहाँ पर मोड आपको मिसिंग, यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है और n बराबर आपको यहाँ पर दिया है 100। और यहाँ पर इंग्लिश में बोलूँ तो मोड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर बड़ा दो चीज़ें क्या है, मिसिंग है, इन्हें हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एकदम इजी वे में समझाऊंगा, लगभग आपको 100% टू टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चा, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो दिया है आवृत्ति, इस आवृत्ति का टोटल मारो बच्चे। जब इन सभी आवृत्ति का हम टोटल मारेंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर मार्क बताओ मुझे। चलिए अगर बच्चों मैं 7 में 12 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 7 + 12 कितना होगा बच्चों, 19। 19 में x जोड़ूंगा तो 19 + x, फिर 28 जोड़ो, 19 में अगर 28 जोड़ूंगा कितना होगा, 47। 47 में y जोड़ूंगा तो 47 + x + y, फिर उसमें 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 56। तो यहाँ पर टोटल आएगा 56 + x + y। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा n बराबर 56 + x + y। अब बच्चों n की वैल्यू कितना दिया है, 100। बेटा जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आपको सारे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करना है। पहले स्टेप वन में इसका टोटल मानना, फिर उसके बाद आपको ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पर n लिखाना, n की जगह पर n की वैल्यू दी होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों यहाँ पर ये प्लस में है, ये बराबर की साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो 100 - 56 यहाँ पर बराबर x + 1। अब बड़ा 100 में से तुम माइनस करोगे 56 तो यहाँ पर कितना आएगा, 44 बराबर x + 1। अब बड़ा इसको सही से लिख देते हैं, x + y = 44, समीकरण नंबर 1। ये बन गया आपका समीकरण 1। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर बहुलक दिया हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुलक का सूत्र क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर बहुलक का सूत्र ये है, क्या है, z = L + f1 - f0 / 2f1 - f0 - f2 / h। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए f1 क्या होता है, f2 क्या होता है, f0 क्या होता है, h क्या होता है, L क्या होता है, इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बेटा इसको मैं क्वेश्चन के अंदर से ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है। चलिए बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। तो देखो बच्चों इस आवृत्ति के अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 28। ये जो 28 है इसे बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, इसके सामने वाले को बोलेंगे L। बोलो बच्चों यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? चलिए अब बच्चों अगर बात करूँ H मतलब हाइट, भाई कितने कितने का अंतर है, तो देखो ध्यान से 0 से 10 का अंतर, 10 से 20 का अंतर, 20 से 30 का अंतर, 30 से 40 का अंतर, 40 से 50 का अंतर, मतलब सभी में 10-10 का अंतर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऐसे ऐसे अंतर निकालते हैं। बच्चों याद रखना कभी भी ऐसे अंतर नहीं लिखा जाता है, हमेशा ऐसे निकाला जाता है अंतर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
चलिए अब बात करते हैं सारी जो जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। F1 की वैल्यू लिख देते हैं, F2 की, चलो लिखते हैं। चलो बच्चों, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जेड कितना दिया, तो जेड बराबर आपको दिया है यहाँ पर 33 1/3। ओके, और एल कितना दिया बच्चों, एल दिया आपको 30, यहाँ लिखेंगे 30 प्लस F1, बच्चों F1 दिया है 28 माइनस F0 आपको दिया है X। ओके, 2 का 2 F1 कितना दिया 28, F0 कितना दिया है X, F2 कितना दिया है Y। क्लियर, आगे बच्चों यहाँ पर गुणे H कितना दिया बच्चों आपको यहाँ पर दिया है 10। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये 30 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 और यहाँ पर देखो क्या लिखा है 33। तो 33 में से अगर 30 माइनस करोगे बच्चों, यानी कि इसको ऐसे लिखोगे 33 1/3 यहाँ पर लिखोगे 30, और ये जैसा लिखा है 28 का 28, तो 28 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, तो गुणे में करेंगे 10। बोलो यहाँ तक क्लियर। आगे बच्चों अपना 30 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 सही 1/3, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें से और इसमें से माइनस करना है। ये जैसा लिखा उसको वैसे के वैसे लिख दो, फिर क्या बचेगा 28 माइनस एक्स, फिर 56 माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब आगे देखो क्या करना है, आगे यहाँ पर ध्यान दो। अभी जो 10 गुणाकार में है बच्चों, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको निकाल, 3 का गुणा 3 में करो बड़ा, 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 10, तो यानी 10 सही 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 माइनस एक्स, फिर 56 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर गुणे लिखेंगे 10। आगे बच्चों कैसे सॉल्व होगा उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो यानी यहाँ पर होगा 10/3। अब यहाँ पर गुणाकार में तो यहाँ पर आएगा ये भागाकार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स माइनस वाई। अब बच्चों ये देखो 10 से 10 कट गया, कितना बचेगा 1/3 बराबर 28 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स माइनस वाई। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करना है, चौकड़ी गुणा करना है। सभी बच्चों को चौकड़ी गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो भाई कितना आएगा 56 एक्स माइनस वाई बराबर। अब 28 का गुणा 3 में करोगे, 28 गुणे 3 करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 84, और 3 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा 3x। बोलो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज़ें यहाँ पर प्लस में बराबर के उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और ये प्लस का है माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे बात करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बड़ा, ये 56 है और ये 2 है, तो पहले बड़ा हम यहाँ पर देखो किसको टोटल में, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर माइनस का 1x है और यहाँ पर प्लस का 3x है, तो भाई 3x में से 1x माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2x आएगा, फिर क्या लिखा है माइनस है तो माइनस, y है तो y। अब आगे देखो बड़ा, ये माइनस का 84 लिखा है, ये प्लस का 56 लिखा है, तो 84 में से 56 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 84 में से आपको क्या करना है माइनस करना है 56, तो कितना आएगा 28। तो यहाँ पर लिखोगे बराबर 28, सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का 28। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अब इसको बड़ा, जब ये बड़ा ये प्लस माइनस का है, इसको बराबर के उस साइड ले जाओगे ये यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 28, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया बच्चों। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पर से हम क्या करेंगे, विलोपन की विधि मतलब लोप की विधि मतलब एलिमिनेशन करेंगे।
क्लियर बच्चों? सवाल काफी इजी है, बस ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो बच्चों, समीकरण एक पहले निकला था और समीकरण नंबर दो ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर एलिमिनेशन करेंगे, मतलब कि विलोपन की विधि, मतलब कि लोप की विधि। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, ये टू है तो यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे वन। अपना टू का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे तो टू वाई बराबर चौवालीस का गुणा दो में करेंगे कितना होगा 88। ठीक है बच्चों, 44 गुणे दो करेंगे कितना होगा 88। अपना एक का गुणा दो करोगे भाई उसका वही का वही आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस, साइन में चेंज कर दिया। अपना सेम सेम कर गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस का वन है, प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, पुराना वाला साइन भूल जाने का, नया वाला साइन दिखने का, तो यहाँ पर कुछ नहीं ठीक। अब बड़ा देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस टू प्लस वन कितना हो जाएगा 3y। अपना 88 में से 88 में से बड़ा अगर 28 माइनस करो कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर बच्चों? चलिए तो y बराबर 60 और ये तीन गुणा कर में इधर आएगा तो भागा कर में, तो बच्चों इसमें अगर तीन का भाग दोगे कितना आएगा बच्चों 20। चलो y की वैल्यू तो हमको मिल गए, y की वैल्यू हमको मिल गए, हमें निकालना क्या है x की वैल्यू मिल जाए तो हमको x और y दोनों मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण नंबर एक में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण एक कहाँ है बच्चों हमारा, ये रहा। चलिए x प्लस वाई बराबर 44 एक्स, अब x का x प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 20 बराबर 44। अब ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यानी 44 माइनस 20। अब 44 में से 20 माइनस करो बच्चों, 44 में से अगर 20 माइनस करोगे कितना आएगा 24। अगर ध्यान से देखो बच्चों तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, और आपको यही तो ज्ञात करना था, आपको यही तो ज्ञात करना था x और y, x और y। अब देखो x और y की दोनों वैल्यू आपको अच्छी तरीके से मिल गया है। आई होप आपको बड़ा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बच्चों मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए होमवर्क लिख लो। यहाँ पर बड़ा आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से मेथड से, बहुलक की मेथड से, मतलब मूड वाला फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। अगर बच्चों अगर आपको ये देखना है उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप सॉल्व करते हो अगर कहीं डाउट होता है तो आप इसे चेकआउट भी कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा, बस आपको जहां पर भी डाउट होगा मुझसे कमेंट करना है, मैसेज करना है, मैं आपके लिए वो वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मैं रिक्वायरमेंट वीडियो बना रहा हूं और आपका फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूं जिससे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसका आंसर देख लो बच्चों, देखो बच्चों इसका जो आंसर बना आप देख सकते हो बना, इसका आंसर यहाँ पर ये रहा। देखिए बड़ा x बराबर ये आ गया और y बराबर ये, बड़ा यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने वीडियो बनाया है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी तरीके से मत करना बच्चों, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको डाउटफुल हो सकता है। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, जिस तरीके से मैंने समझाया है, आपको उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिया है कि भाई आप अपना आंसर चेकआउट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर बच्चों? चलिए, और अभी भी कोई भी टाइप का बहुलक वाला सवाल होगा, कोई भी टाइप का मिसिंग मोड वाला क्वेश्चन होगा, आप 100% उसे इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। जो टफ था वो मैंने करवा दिया, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।